मैं गहना वशिष्ठ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे नए एपिसोड बी बोल्ड विद गहना। और आज हमारे पास एक नया नया ताजा ताजा कपल, सो हम स्वागत करते हैं फरहान अंसारी और आयशा पठान का। सो मुझे बताओ, वैसे मैं काफी टाइम से तुम दोनों को जानती हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि क्या पक रहा है, आखिर ये हुआ कैसे सब कुछ बोलो। ये अभी हम लोग, मैं इसको कभी पहले नहीं जानता था ना, मैं इसे कभी पहले मिला था आयशा से। एक्चुअली क्या हुआ, रिसेंटली मुझे एक शूट का कॉल आया केरला से। देन मेरा जो मैनेजर है उसने मुझे बताया कि एक आर्टिस्ट और है मुंबई से। देन उसने कभी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है, उसको नहीं पता है कि फ्लाइट में कैसे चेक इन वगैरह करते हैं, कैसे टिकट लेते हैं, कैसे कैसे जाना है। उसने मुझे बोला आप तो करते रहते हो तो आपको पता है कि कैसे करते हैं, तो आप प्लीज उसको साथ लेके जाओ और उसका ख्याल रखना, छोटी बच्ची सी है। मुझे भी ये लगा बच्ची सी है। तो देन हम लोग फर्स्ट डे एयरपोर्ट पे सुबह मिले, हमारी फ्लाइट थी अराउंड 10, हम लोग 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहां से हम लोग साथ में मिले, देन हम लोग केरला पहुंचे। 3 दिन हमने वहां पे काम किया साथ में, हमारे बीच कुछ भी नहीं था, ऐसे फ्रेंड हम लोगों ने काम किया। लेकिन खिचड़ी पकना फर्स्ट डे से शुरू हो गया था, पर कभी एक्सप्रेस नहीं किया, ना इसने किया ना मैंने किया। फिर देन जब हम लोग की टिकट आ गई, हमारे हाथ में आने लगी घर पे, अब मुझे भी लगा कि देख अब नहीं कुछ बोला तो कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। देन मैंने स्टार्ट की, सबको बताया लड़कों को ही पहल करनी पड़ती है। देन मैंने इसको अपनी फीलिंग्स बताई, इसके मन में भी सेम चीजें थी। देन इसने भी वो चीजें एक्सेप्ट की और मुझे बोला वो सब मेरे मन में भी है। देन एक्चुअली बात ये थी कि लाइक बिफोर लीविंग इसने रात में ना बियर पी ली थी। आफ्टर पैकअप शूट होने के बाद जो पार्टी वगैरह होती है उसमें इसने बियर पी रखी थी। तो रात में जब हम बैठे हुए थे मैंने कहा कि आ जाओ खाना खा लेते हैं, तो ये एक्चुअली बहुत ओवर ड्रंक हो चुके थे, तो ये बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे थे। तो तब मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, इनके मन में भी मेरे लिए कुछ है, तो मैं अभी कंफर्म कर सकती हूँ। तो ऐसा था कि ये सो गए थे, तो जब हम सुबह वापस फ्लाइट के लिए जा रहे थे ना, तब हमारे बीच में फिर बातें हुई, तो इन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कहा मौके पर चौका लग गया। लवली, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि तुमने इसको सुबह सुबह एयरपोर्ट पर देखा होगा तो तुम्हें लगा कितनी इनोसेंसी है, भोली सी, ऐसा लगा था? यस हमको भी ऑफ ऐसे लगा था, धोखा दे देती है ये, ठीक है। तो मुझे बताओ कब पता चला कि यार ये जो बच्ची है, जो कि एक्चुअली बच्ची नहीं है बवाल है, ये कब तुम्हें फील हुआ? एक्चुअली क्या है ना, मैं भी टॉकेटिव गाय हूँ हाँ और लोगों के 36 गुण मिलते हैं और इसके मेरे 40 गुण मिलते हैं। ठीक है, पहली बात, हम लोग कपल हैं लेकिन कपल से पहले हम बेस्टी हैं। ऐसा कोई इसका पास्ट का कोई भी अच्छा बुरा ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसने शेयर ना किया हो, वैसे ही मेरा है। एटलीस्ट मेरी पहली गर्लफ्रेंड सही है, वो डरती थी मुझे बताने में कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहा है या मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं भी डरता था। एटलीस्ट हमारे बीच में कुछ भी हाइड नहीं, और मैं इंजॉय करता हूँ बातों को कि देख मेरा बंदा ऐसा था, उसने ऐसे कर दिया तो मैंने ऐसे किया। मैं इसको बताता हूँ, एक दिल्ली में बंदी थी, मैंने वैसे किया था, उसने ऐसे कर दिया था, हम लोग को बुरा बिल्कुल नहीं लगता। तो मुझे ये बताओ, ये मैं आयशा से सुनना चाहूंगी ना। आयशा मुझे एक बात बताओ, ये फरहान बेड में क्या रेट करना चाहोगे तुम इसे, हाउ गुड ही इज, और इसकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है, बताओ पब्लिक को। फेवरेट पोजीशन तो इसकी काउगर्ल है। ही इज लाइक कि पहले वही, कुछ और नहीं चलेगा, पहले वही चाहिए। एंड हम एक्चुअली जब घर में भी हम रहते हैं तो हम ना गाना बजाते हैं स्पीकर पे, अंग लगा दे रहे ओह माय गॉड, आज फिर तुम पे प्यार आया, एंड फिर उसी के हिसाब से हम सीन बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन सीन एक दूसरे के साथ करने में हमेशा मजा आता है, शायद वो कभी हम भी कहीं गए। यही फायदा होता है, दो एक्टर अगर एक दूसरे को डेट करें तो सारी एक्टिंग बेड में भी निकल जाती है। होता है। तो क्या रेट करोगे तो फरहान को? 100 out of 1000। माय गॉड, थैंक यू सो मच। 100 out of 1000, 1000 out of 100 बोलना। टेन इन टू, हाँ वही वही, हाँ वही, मतलब 100 times बेटर बेटर। और फरहान तुम क्या रेट करना चाहोगे? एक्चुअली देखो सीधी बात है, शायद मैं ये आपसे पहले डिस्कस नहीं हुआ एज ए फ्रेंड, पर मैं आज इंटरव्यू में आपको बताता हूँ। मेरा जो टेस्ट था ना, था वो 30+ ही रहा है पहले से। आई डोंट लाइक गर्ल्स, इसका मतलब ये नहीं मैं बाइसेक्सुअल हूँ या गे हूँ, आई लाइक मैच्योर वुमेन, मिल्फ, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। आयशा इसे कह लो कि मुझे इसके लिए वो फीलिंग नहीं थी, पर एक प्यार था, अट्रैक्शन था, पर साथ रहते रहते एक प्यार भी हो गया है और अब अच्छा भी लगने लगा है, चाहे वो बेड पे हो और चाहे वो नॉर्मल लाइफ में हो। तो मुझे अब इंटरेस्ट आने लगा है, इसकी वजह से ही मैं लड़कियों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। आंटीज भाभी सभी दिमाग से निकल चुकी है। ओके, तो जो तुम्हारी प्रीवियस फ्रेंड गर्लफ्रेंड थी वो आंटी थी या शी इज नॉट आंटी, बट यू कैन से शी इज अ मैच्योर।
मैच्योर थी। तो फरहान मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं तुम्हें काफी टाइम से जानते हूँ एंड आयशा मैं भी तुम्हें जानते हूँ, हम लोगों ने काफी सारा काम किया है, हमने बैड सीन्स कर रखे हैं, हमने सेडक्टिव सीन कर रखे हैं, हमने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। सो जब आप लोग तुम दोनों एक साथ एक दूसरे में थे, इन्वॉल्व थे एक दूसरे के साथ में, तो ऐसा क्या था जो तुम लोग को बहुत ज्यादा टर्न ऑन कर गया? क्योंकि देखो पहले भी एक्टिंग की, कभी मुझे नहीं लगता कि तुमने किसी और लड़की के लिए वो फील किया होगा जो आयशा के लिए किया। सेम विद आयशा, मुझे नहीं लगता तुमने कभी किसी और लड़की के लिए वो फील किया होगा जो तुमने फरहान के लिए किया। तो क्या ऐसा हुआ जो तुम दोनों को एक दूसरे की तरफ? लेडीज फर्स्ट। हाँ यस, एक्चुअली ये बात मैंने इसको भी अब तक नहीं बताई। मुझे बता क्या मुझे क्या इसमें अच्छा लगा था। वहाँ पर जब हम शूट कर रहे थे, वहाँ पे ना एकोमोडेशन का थोड़ा इशू हो गया था कि इनकी जो होटल रूम थी और मेरी जो होटल रूम थी वो बहुत दूर दूर थे। तो मैंने इनसे कहा कि यार मैं बहुत दूर हूँ, 2 किलोमीटर दूर हूँ, मुझे डर लग रहा है क्योंकि इन्होंने जैसे कहा मैं छोटी सी हूँ, मुझे वही डर लग रहा था। तो ये भी डर गए, मैंने बोला एक काम करो तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पे है रूम्स, यहाँ पे कर लेंगे। तो फर्स्ट डे एक्चुअली हम लोग को ये अकोमोडेशन प्रॉब्लम की वजह से एक रूम शेयर करना पड़ गया। और मैं इनको इतना अच्छे से जानती भी नहीं थी तभी। मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मैरिज कर देती। मुझे एक्चुअली पता ही अगले दिन चला कि ये भी आपको जानते हैं। अरे मुझे पूरी दुनिया के लड़के जानते हैं। तो हमने एक बार शेयर किया था एंड हम रात में वेट कर रहे थे किसी का, तो कि हमारी बियर आएगी। हमने कहा कि हम थोड़ा पी लेते हैं फिर सो जाएंगे आराम से, कल सुबह डाले शराब में तो साथ में होते हैं कंपनी अच्छी ना। एग्जैक्टली, दैट मेक सेंस, अकेले पीने में मज़ा ही नहीं आता। तो हम लोग ने एक बेड शेयर किया और बंदे ने पूरी रात होगी सुबह होगी बंदे ने मुझे एक तो सभी टच नहीं किया। तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगा, लेकिन दूसरे दिन वापस हम सेकंड डे भी हम लोग ने वैसे ही सेम, क्योंकि फर्स्ट डे तो ऑलरेडी शायद तो पक्के से बुरा लगा होगा आयशा। सच में बुरा लगा। हाँ, मैंने इसको ये बात बोली भी थी अगले दिन। और सेकंड डे इसने मुझे 2 बार हक किया नींद में, पर मैं इसको टच नहीं कर पाया। अरे यार फरहान सच में, सुबह उठ के मैं इसको बताया कि रात में आपने मुझे 2 बार हक करने की कोशिश की, जानते उसने क्या बोला? मैं जानबूझ के किया। नहीं नहीं, इसने मुझे बोला कि मेरी डॉगी अलेक्सा मैं रात को उसको हक करके सोती, मुझे लगा मैं अलेक्सा के साथ सो रही हूं। बात कुछ और थी, मैंने बताया कुछ और। अब मुझे बताओ पब्लिक को थी क्या बात? बात यही थी कि मैंने रात में हम लोग जब बैठे थे आफ्टर शूट ना, मैंने इनको कहा था कि आज रात तो मैं तुझे खा जाऊंगी, और इन्होंने वो बात बहुत हल्के में ली थी जबकि ये एक्चुअली रियलिटी थी, बट इन्होंने बहुत हल्के में ली थी और ये बात आज तक इनको पता नहीं है। यार फरहान बंदी मिल गई, अगर सोचो तुमने पहल ना की होती या तुमने बेयर ना पी होती तो इतनी अच्छी बंदी हाथ से निकल जाती। ये तो है। तो थैंक्स टू बेयर, थैंक्स टू केरला। हाँ यार एक बात बताओ, अगर आप लोगों पे फिल्म बने और हम उसके टाइटल रखें केरला में केला, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। तो मैं इस एपिसोड का नाम केरला में केला ही रखने वाली हूँ। अगर आप केरला में करेला रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। करेला मिला किसको? इसको या तुमको? केरला में तो हम दोनों को मिला है। इसको दूसरे में केला मिला, सॉरी करेला मिला, मुझे कड़वी है ना बिल्कुल, मिठास बिल्कुल भी नहीं है। डॉटेड केला। एक्स्ट्रा थिन। एक्स्ट्रा थिन एक्चुअली, डॉटेड वन। अच्छा एक और बात है, हाँ बताओ ना, इनके बारे में मैं शेयर करूंगी। बिल्कुल। इन्होंने ना, मैंने इनको कहा था कि यूज प्रोटेक्शन, ही वाज लाइक आई डोंट लाइक इट। फिर आगे क्या हुआ? मैंने कहा ठीक है 9 महीना पाल लेंगे और क्या। कहते तुम शूट करके आना, मैं 9 महीना पाल लूंगी, उसके बाद उसको भी तैमूर बनाएंगे, एक्टर बनाएंगे। तो इनका कहना ये था कि नहीं काम करते एकदम एक्स्ट्रा थिन से भी एक्स्ट्रा थिन होता है, जो एकदम पन्नी की तरह दिखे भी ना वो यूज कर लेते। पन्नी थिन तो बांध के नहीं हो गया था इसने आज तक कभी यूज नहीं करा, इसने कहा ये इसकी हिस्ट्री रही कि ही नेवर यूज्ड ओके प्रोटेक्शन। फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? वैसे भी पॉलिथीन वॉलिथीन लाए तुम लोग ने? बहुत जल्दी खबर आ जाएगी, और कुछ 9 महीने वाली खबर बहुत जल्दी आ जाएगी। फरहान, छोटा फरहान आ सकता है, छोटी आयशा भी आ सकती है, बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। हॉट तो है बंदा। अच्छा आयशा मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, पहले बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं यहाँ पर, सबके सब फरहान की तारीफ करते हैं, है ना। मैंने देखा लड़कियाँ ना सेट पे लगी भरी पड़ी होती है फरहान को देख करके। कुछ आर्टिस्ट तो चाहते ही नहीं है कि कट हो। हम एक सीन कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगी आर्टिस्ट का, अच्छी हेल्दी सी थी, मतलब फरहान ऐसे कर रहे
वो लड़की उसको चढ़ी बैठी है, फरहान घूम चल रहा है। तो अगर आपको पता चले कि बाहर में कुछ ऐसा कांड हो रहा है, यू विल फील जेलस और नहीं? ऑफ कोर्स, अगर बाहर कांड हो रहा है तो जेलस फील करूंगी, फिर तो इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। एंड एक्चुअली ऐसा हुआ भी है। हम एक साइट पर थे एंड आई गेस मेरा एक शूट चल रहा था और इनका भी शूट चल रहा था। एंड सडनली ना मुझे वहां से कॉल आई कि सुनो ना, आज हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, वी विल हैव सम ड्रिंक्स एंड घर पर। तो मैंने कहा कि अच्छा अपने घर पे? कहता है हाँ अपने घर पे। मैंने कहा कि मैं शूट से तो आज रात में नहीं आने वाली, मुझे बहुत लेट नाइट शूट है मेरा। हाँ, मैं मॉर्निंग ही आऊँगी। करेक्ट। तो फिर इन्होंने बताया कि बात यह है ना कि जो फीमेल लीड है मेरे साथ वो भी आ रही है। तो फिर वहाँ मेरा शक्ल ना एकदम लटक गया था कि नहीं, मैं मुझे मना करना था, बट इट वॉज लाइक कि मैं मना कर भी नहीं सकती। हाँ, नया नया रिलेशनशिप है, मे बी वो सोचेगा कि यार कितनी कंजर्वेटिव है, कितनी डोमिनेटिंग है। एंड हम लोग एक्चुअली ना दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो इन्होंने घर में पार्टी शुरू की एंड रात में, एक्चुअली मैं सुबह आई जब तब मुझे इन्होंने बताया कि रात में ऐसा कुछ भी सीन नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे ये शूट पे गए हुए थे और मैं घर पर थी, मैंने रेस्ट किया था। तो नेक्स्ट डे की नाइट में फिर से कॉल आई वहाँ से सेट से कि आज वो जो लड़की है मेरे साथ फीमेल लीड है, वो कह रही है कि उसकी फ्लाइट है कल सुबह की, तो वो आज अपने साथ में अपने घर आकर रुक सकती है। मैंने कहा ये क्या नाटक है, क्या ड्रामे है। एक्चुअली उस लड़की के अंदर था बट इनके अंदर नहीं मैं जानती हूँ ये मतलब मैं बता रही हूँ। हाँ, ये जब ये जाए ना तो इसके लिए दो तीन ताले खरीद लो, राखी सावंत ताला। नहीं मैं एक्चुअली ना इनके ना बेल्ट पे नेक्स्ट ताले लगा के चाहिए। राखी सावंत का ताला देखा ना, जब वो नीचे बांध के रेप प्रोटेक्शन वाला ताला, वैसा वाला नहीं, फरहान के लिए ताला ले लो, उसमें जंजीर वंजीर ले लो और जब भी कहीं जाए ना ऐसे नीचे बांध के भेजो और घर जब है तो चाबी खोद ही खेलो। बता रही हूँ मैं, लड़कियां इसको उठा के ले जाने वाली हैं। वो तो अब भी होता है, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, ये एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया, बट ऐसे मैंने अब तक 3 इंसिडेंट देखे हैं। मैंने 8 देख रखे हैं, तुमने तो 3 देखे हैं। नहीं बट फिर भी 3 वो भी ऐसे इंसिडेंट्स थे कि आज भी उनके कॉल आते हैं। एक ही आता है बेटा, देखो डिस्प्ले फोटो में आयशा के साथ फोटो लगाओ, नेकेड कंपैरिशन, अपने फेसबुक में लिख दो कमेंटेड और बकायदा उसे मेंशन कर दो, वरना मैं बता रही हूँ आयशा बहुत खतरा है। हमने एक्चुअली कल ही हैशटैग भी बनाया ना, आई हान आई हान लव। और हम लोग के बीच ना एक चीज है जो हमने एक दूसरे को बोली हुई है, जब हम लोग मिले थे तो देखो सीधी सी बात है, मैं कभी भी आप एक झटके में नहीं बोल सकते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है। लव इज अ प्रोसेस और समझने में टाइम लगता है। तो हम लोग कमिट हो रखा है कि हम 3 महीना एक दूसरे को समय देंगे, समझते हैं, अगर आगे चीजें हमें लगता है कि बन सकती हैं तो ही आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना फरहान आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। और दोनों ने दूसरे को बोल रखा है कि तुम मेरे जैसे हो, मैं तुम्हारी, क्योंकि हमारी 36-40 गुण मिलते हैं और दोनों को अपने दूसरे को बोला हुआ है कि तुम्हारे एक्शन पे मेरा रिएक्शन होगा। अब देखते हैं एक्शन पहले करता कौन है। एक्चुअली इन्होंने 3 एक्शन कर रखे हैं इसलिए मेरा रिएक्शन गए हैं अब तक। इनका रिएक्शन कभी मेरे किसी भी एक्शन पे नहीं आया। नहीं, ही इज वेरी सेंसिबल पर्सन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, चूंकि हम सब फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी मोहब्बत होती है, दिल टूटता है, ब्रेकअप स्टोरीज बनती है, लोग इवन ब्रेकअप भी सेलिब्रेट करते हैं। हमें कैसी, हाँ ब्रेकअप पार्टीज, हमें कैसी जनरेशन में आ चुके हैं। सो मैं चाहती हूँ कि नाउ यू गाइस आर कपल, न्यू कपल इन द टाउन, लोगों को पता चलना चाहिए। सो जो लोग कपल्स बन रहे हैं आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे, आप दोनों कि पहले आप दोस्त रिलेशनशिप में आए हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगे एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, पब्लिक को बताइए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो रिलेशनशिप है ना वो एक सबसे पहले एक दोस्ती से स्टार्ट होती है। अगर आप अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तो एक रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो बात अपने दोस्तों को बता सकते हो वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को नहीं बता सकते। और सीधी बात है, अगर आप कोई कांड करोगे तो आप वो बात नहीं बता सकते। तो पहले अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दोस्त बनाओ, ताकि अगर आप अपना कांड बताओ भी उनको तो वो अच्छे समझे आपको कि आपकी गलती है या नहीं है, और वो आपको क्षमा भी करते। यस, क्योंकि आजकल के जो कपल है वो कपल से कांड बाज कपल होते हैं। सो इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू बोथ, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों आप हमारा शो देखते रहिए, बी बोल्ड विद गहना, हमारे शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके अंदर कोई बात है जो रिलेशनशिप से शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ करिए, हम अपनी राय देंगे और आपकी भी राय लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय।